सो हाय दोस्तों, माय नेम इज नेहा एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। दोस्तों आज मैं आया हूँ फुटारा लेक। यहाँ पे फाउंटेन भी है, जैसे कि आप देख सकते हो पूरा एरिया फाउंटेन का है। कुछ बातें जुबान पे नहीं आती पट से। और आज का आपको नज़ारा दिखाता हूँ, क्योंकि आज का नज़ारा कुछ यूनिक ही है, क्योंकि फर्स्ट टाइम ऐसा नज़ारा मुझे देखने को मिल रहा है। आप इस साइड से देखिए, ये जितना भी प्लेस है, अगर आप ऐसी कोई टाइम में आओगे तो आपको हमेशा यहाँ पे पब्लिक दिखाई पड़ेंगी, यहाँ पे पब्लिक देखने को मिलेंगी। पर आज पता नहीं यार क्या हुआ, पब्लिक ही नहीं दिख रही। ट्रैफिक देखिए, ऐसी ट्रैफिक दिख रही है यार, मज़ा ही नहीं आ रहा है। और सच में बता रहा हूँ, यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग करने के लिए मैं आया था। सोचा था यहाँ पे मस्त लड़कियों को पकड़ूंगा, उनका इंटरव्यू लूँगा और अच्छा खासा एक कंटेंट तैयार करूँगा। बट गाइस, कंटेंट तो दूर की बात, यहाँ पे पब्लिक ही नहीं मिल रही, क्या करेंगे। खाली दुकान है, दुकान के सिवा कुछ नहीं है। पर यहाँ के बारे में थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन आपको दे दूँगा, ऐसी कोई बात नहीं है। और ये देखिए, इस साइड में अभी काम ही स्टार्ट है। और ये अभी जब चालू होगा तो यहाँ का माहौल जो है ना बहुत अलग ही रहेगा, क्योंकि पूरे भारत देश में आपको इस तरीके का फाउंटेन कहीं और कहीं नहीं देखने को मिलेगा। उस साइड में देखिए, वो पार्किंग प्लेस है। इसके पहले तो बहुत सारे ऐसी वीडियोस बनाए। और यहाँ पे देखिए, प्रवेश द्वार, टिकट घर, ऐसी बहुत कुछ है आने को। यानी आप इधर आओगे तो आपको बहुत कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। बट मैं आया तो मुझे तो यहाँ पे कुछ देखने को नहीं मिला। हमारे भाई है यूट्यूबर भाई हमारे साथ में, हम आए थे यहाँ पे कंटेंट बनाने के लिए कुछ। बट यहाँ पे जो भीड़ है, यानी जो पब्लिक है, पब्लिक देखने को नहीं मिली यार, फिर कैसा कंटेंट ही नहीं बना क्या। वही तो, अभी कैसा टाइम पास में रील बना रहे, अभी देखते आगे में कुछ कंटेंट मिल जाता है तो आपके साथ जो शेयर करते हैं। अगर कुछ बन जाता है तो आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। पर आज ऐसी उदास जैसे जाना पड़ रहा है दोस्तों, बट आपके रहते हुए अब तुम्हारा भाई कभी उदास नहीं जाएगा, कुछ ना कुछ बना के जरूर जाएगा। तुमको पंकज उदासी के गाने सुनाएंगे। पंकज उदासी। सो ये जो शॉप्स है, इसमें से एक शॉप अभी मेरी भी होने वाली है, 3-4 शॉप्स। अभी इसकी बुकिंग की प्रक्रिया स्टार्ट है, पर क्या करें, पैसा नहीं है हाथ में। और यहाँ पे दोस्तों, आप जब भी आओगे तो आपको यहाँ से टिकट लेना पड़ेगा, नहीं तो आपको ऐसा लगेगा कि नागपुर का फुटारा है, चलो फ्री में टिकट है। इस बार थोड़ा कड़क बंदोबस्त है यहाँ पे। और यहाँ पे आप देख सकते हो बोर्ड है, हर जगह आपको बोर्ड देखने को मिलेंगे। और यहाँ पे हर चीज़ की यानी फैसिलिटी यानी सरकार के तौर से, प्रशासन के तौर से की गई है। क्योंकि आप सभी को पता है, नागपुर सिटी एक नामचीन सिटी है। यहाँ पे हर चीज़ होती है, और सबसे प्यारी सिटी भी नागपुर सिटी ही है दोस्तों, क्योंकि हम नागपुर में रहते हैं। मुझे तो यानी नागपुर से बेस्ट कोई और सिटी लगती ही नहीं है। चलिए मैं आपको अभी आगे से फुटारा का तालाब दिखाता हूँ। चलते हैं अभी तालाब के पास, उस साइड का नज़ारा देखते हैं, और रात के समय फुटारा कैसा दिखता है वो जानते हैं, देखते हैं, और क्या हो सके वो भी देखते हैं अभी आगे। चलो तो इस साइड से देखिए, ये पूरा फुटारा लेक है। और रात के समय अभी लाइट्स कुछ है नहीं, ये भी प्लेस पूरा खाली है, खाली खाली जाना पड़ेगा। ये स्टैंड है और इस साइड से गार्डन है। चलिए चलते हैं आगे और देखते हैं क्या है। तो दोस्तों, फुटारा में तो कुछ मिला नहीं, भी फाइनली मैं घर आ चुका हूँ। और घर आके थोड़ा सुकून मिल रहा है, क्योंकि बाहर बहुत ही ज़्यादा ठंडी थी। तो आज का ब्लॉग नॉर्मल सा था, कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और फुटारा का फाउंटेन जब भी चालू होगा, सबसे पहले भी आपको मेरे चैनल पर ज़रूर देखने को मिलेगा। मैं भी देखूँगी, ये भी आएंगी, अपन सब साथ में जाएंगे और वहाँ का फाउंटेन इंजॉय करेंगे। तो दोस्तों, आज का वीडियो बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।